हरे कृष्णा। तो पिछली वीडियो में जैसे हमने चर्चा की थी कि कैसे करके जो जर्नी होती है एक मरने वाले व्यक्ति की कि भूलोक से वो यमलोक तक कैसे करके पहुंचता है, रास्ते में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, फिर जब वो पहुंचता है तब क्या होता है, कौन से द्वार से एंट्री होती है, यमपुरी की जो डिस्क्रिप्शन है कि कितना सुंदर है यमराज का लोक, कितना बड़ा है यमराज का लोक, और कहाँ पर चित्रगुप्त का घर है और कहाँ पर यमराज रहता है, और कैसे करके दो विटनेस है हमारे हमारे जो हमेशा हमको देखते रहते हैं और उनका नाम है श्रवण और श्रवणी, जो 24 घंटे हम पर नजर रखते हैं। और फिर 13 विटनेसेस के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि कौन से 13 विटनेस है जो हमारे ऊपर हमेशा नजर रखते हैं। और फिर हमने ये भी चर्चा की थी कि कैसे करके जो पुण्यवान व्यक्ति होता है वो 3 द्वार से घुसता है, वो है ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ। लेकिन जो पापी व्यक्ति होता है वो साउदर्न गेट से घुसता है, साउदर्न द्वार से घुसता है, और जब वो आता है तब यमराज का जो दर्शन देता है, यमराज जो पापी व्यक्ति को जो दर्शन देता है वो होता है भी 32 हैंड्स, एंड बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है यमराज का दर्शन। और जो पुण्यवान व्यक्ति को दर्शन देता है वो है विष्णु दूत के तरह विद 4 हैंड्स, बहुत ही सुंदर दर्शन होता है। तो अलग अलग होते हैं यमराज के दर्शन, पापी व्यक्ति के लिए भयंकर और पुण्यवान व्यक्ति के लिए अच्छा। और पापी व्यक्ति को फिर बताया जाता है कि वो क्या क्या गंदे कार्य किया है जिसके लिए उसको यमलोक आना पड़ा, उसको नर्क भी जाना पड़ेगा, उसको ये बताया जाता है। और जब पापी व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, तब यमदूत उसको 2 थप्पड़ लगाता है और फिर जो स्क्रीन में दिखाते हैं, एलईडी स्क्रीन में दिखाते हैं कि देखो इस समय तुमने ये कार्य किया था, ऐसे कार्य किया था। और फिर वो कहता है हाँ हाँ मैंने किया था, मैंने किया था। फिर वो रोते रहता है, फिर चित्रगुप्त उसके ऊपर चिल्लाते हैं, यमराज उसके ऊपर चिल्लाते हैं। फिर सारे कैलकुलेशन होने के बाद उसको नर्क में भेजा जाता है। हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि नर्क कितने सारे है। नॉर्मली नर्क है 24 लैक्स, नर्क 24 लैक्स हेल है। अब ये नर्क है कहाँ पर, देखिए हमारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, हम है बीच में, भूलोक में है, ऊपर में 6 है, नीचे में 7 प्लैनेट्स है। ऊपर में 6 है, भू हमारा भू है, भूव स्व मह जन तप सत्य, ये 6 प्लैनेट है। नीचे है अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, पाताल के नीचे आता है पितृलोक, पितृलोक के नीचे आता है नर्क। और 28 टाइप्स ऑफ जो नर्क है वो प्रोमिनेंट है। वैसे तो 84 लैक्स ऑफ नर्क है, बहुत सारे नर्क है, लेकिन जो प्रोमिनेंट है, एकदम मेन हेल्स है, वो है 28 टाइप्स ऑफ हेल, वो प्रोमिनेंट है। तो आज हम कुछ नरकों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्या क्या गंदे कार्य करने से उसको कैसी कैसी सजा मिलती है नरक में। सारे बारे में तो नहीं जान सकते क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट नरक के बारे में जानेंगे और वो सारे पाप कर्मों के बारे में जानेंगे जो कि डे टू डे लाइफ में हो रहा है, और उन सारे पाप कर्मों के लिए हमें कौन सा नरक मिलता है इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे, ताकि हम अच्छे से रह सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग इलिसिट सेक्स करते हैं, इलिसिट सेक्स मतलब बिना पत्नी के किसी और के साथ भोग करना, मतलब आपके पत्नी है या आपका पति है, आप उनको छोड़ के किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो, उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो, इसे कहते हैं इलिसिट सेक्स। जो लोग इलिसिट सेक्स करते हैं उनको एक नर्क में भेजा जाता है और उस नर्क का नाम होता है तामिश्र। तामिश्र नामक वो नर्क होता है और वो नर्क बहुत ही ज्यादा अंधकार होता है और उसमें उस व्यक्ति को भूखा प्यासा रखा जाता है और वो तड़पते रहता है। कभी बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है तो कभी बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है और अंधकार होता है और वो व्यक्ति भूखा प्यासा तड़पता है, उतने समय के लिए तड़पता है जितने समय के लिए उसने ये इलिसिट सेक्स का कार्य किया। जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, आजकल रह रहे हैं ना लोग लिव इन रिलेशनशिप, एक मल्टी बीएचके अपार्टमेंट लेंगे, 2 बीएचके 3 बीएचके अपार्टमेंट लेंगे, उसमें लड़का लड़की एक साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, मैन बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना किसी वैवाहिक जीवन के, बिना किसी जिम्मेदारी उठाए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे, 6 महीने तू मेरे साथ मैं तेरे साथ, 6 महीने तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, लिव इन रिलेशनशिप, वाओ वेरी गुड। जो लोग ऐसे लिव इन रिलेशनशिप रखते हैं विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और विदाउट एनी मैरिज, उनके साथ क्या होता है, उनको एक नर्क में भेजा जाता है जिसका नाम होता है तप्त सूरमी। तप्त सूरमी जो नर्क है उसमें क्या होता है, उसमें एक आयरन का बना हुआ बहुत ही ज्यादा गर्म होता है और स्टैचू होता है। अगर लड़का होगा तो उसके लिए लड़की की स्टैचू होगी आयरन का बना हुआ और बहुत ही ज्यादा गर्म, इतना ज्यादा गर्म कि हल्का सा भी टच करोगे तो हाथ गल जाएगा, इतना गर्म होता है। और वो नहीं मुझे मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, और यमदूत कहता है क्यों, बहुत अच्छा लगता है ना तेरे को आलिंगन करने में बिना शादी के, बहुत अच्छा लगता है ना तेरे को भोग करने में बिना शादी के, रुक जा। अब ये देख एक सुंदर सी लड़की है और लड़की के लिए लड़का होता है, देख इतनी सुंदर सी लड़की की स्टैचू है आयरन की, बहुत सुंदर होती है वो स्टैचू और आयरन की होती है, इतनी गर्मी होती है, उसको कहता है जा उसको जाके हग कर। वो कहता है नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं करेगा नहीं करेगा, उसको पकड़ते उसको और लगा देते उस आयरन के साथ, एक यमदूत पीछे धक्का देते और
आगे से एक और हम यमदूत होते जिसको हाथों को ऐसे करके बांध देते हैं उस आयरन क्या खंभे के साथ, और वो नहीं नहीं वो पूरा जलता है, उसका शरीर पूरा तपता है, गलते रहता है उसका शरीर, और उतने समय के लिए उसको उसको हक करके रहना पड़ता है जितने समय के लिए वो लिव इन रिलेशनशिप में था ऐसा। अब जो लोग एनिमल्स के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, जो लोग एनिमल्स के साथ कहता है ना एनिमल रेप हो रहा है, एनिमल के साथ फिजिकल रिलेशनशिप जो लोग बनाते हैं उनके साथ क्या होता है, जो लोग ये करते हैं उनको भी एक नर्क में भेजा जाता है, और उस नर्क का नाम होता है वज्रकंटक श्यामली। उस वज्रकंटक श्यामली नर्क में क्या होता है, उसमें पेड़ होता है, पेड़ होता है, और उस पेड़ के पत्ते नहीं होते, उस पेड़ में ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, लंबे लंबे ब्लेड्स, और एक जंगल होता है, बहुत सारा पेड़ होता है, उसमें ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, और यंग उसको मार मार के दौड़ाते हैं, मार मार के दौड़ाते हैं, और वो अंधकार में दौड़ता है, और सारे जो कांटे हैं जो ब्लेड्स हैं उनके शरीर को भुकता है, वो खच करके भुकता है और निकलता है, फिर भुकता है, फिर निकलता है, ऐसे ऐसे होता है, और वो दौड़ते रहता है। लेकिन आपको पता है मेन चीज क्या है, आप मरोगे नहीं, आप नहीं मरने वाले, आपको कष्ट मिलता रहेगा, लेकिन आप मरोगे नहीं, क्योंकि ये यातना शरीर मिलेगी, ये शरीर तो मर जाएगा कष्ट के बाद, लेकिन यातना शरीर क्या होता है, यातना शरीर मरता नहीं है, उसमें आपको पेन मिलता रहेगा, आपको गला काट के भी रख दिया जाए ना तो भी आप मरोगे नहीं, आपको सिर्फ दर्द होगा, और इतना ज्यादा दर्द होगा, अगर इस शरीर में चिमटी काटने से जितना दर्द होता है ऐसा, यातना शरीर में अगर मैं ऐसा करूं तो अभी जितना दर्द हुआ इससे 1000 times ज्यादा दर्द होता है यातना शरीर में, ऐसा होता है। अब क्या है ना, जब कोई नर्क से आता है या कोई स्वर्ग से आता है तो कुछ बॉडीली फीचर्स है जो देख के हम पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति नर्क से आया है या स्वर्ग से आया है, कुछ बॉडीली फीचर्स है, जैसे गरुड़ पुराण डिस्क्राइब करता है कि जो लोग स्वर्ग से आते हैं वो लोग थोड़े अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छा कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, उनका बोलचाल अच्छा होता है, बिहेवियर अच्छा होता है, परिवार में अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, थोड़ा हैंडसम गुड लुकिंग होता है, ऐसे वो लोग स्वर्ग से आते हैं या उसके हायर प्लैनेट से आते हैं। जो नर्क से आता है हो सकता है थोड़ा देखने में गुड लुकिंग हो, लेकिन धन की कमी होगी उनके पास, उनके कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, बॉडी में सिर्फ डिजीजेस रहेंगे, इतने देखने में इतने अच्छे भी नहीं होंगे वो लोग, ऐसे मतलब डेडली लुक्स ऐसे होंगे। और ये तो मैंने आपको बताया, जो लोग इलिसिट सेक्स करते हैं, जो लोग जानवरों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, जो लोग क्या करते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, और जो लोग रेप करते हैं, जो लोग रेप करते हैं उनके साथ क्या होता है, उनके हाथ पैर बांध दिया जाता है नर्क में, हाथ पैर बांध दिया जाता है यमदूतों के द्वारा, और उसका जो जेनिटल्स होता है, जो व्यक्ति का जो जेनिटल होता है उसे बिच्छू केकड़े सांप ये छोड़ दिया जाता है, और उसमें केज लगा दिया जाता है उस जेनिटल्स के एरिया में, और उसमें बिच्छू केकड़े सांप सब छोड़ दिया जाता है, और वो नुकीले नुकीले जानवर, विषैले विषैले जानवर उसके जेनिटल्स को नोच नोच कर खाता है, नोच नोच कर खाता है, क्योंकि उसने रेप किया था। अब क्या हो ना, जो लोग ये कार्य करते हैं, जो लोग इलिसिट सेक्स करते हैं, लिविंग में रहते हैं, एनिमल्स के साथ रेप करते हैं, लोगों के साथ रेप करते हैं, वो लोग जब इस पृथ्वी में आते हैं वापस से नर्क भोग के, वापस से जब इस पृथ्वी में आते हैं, तब वो लोग ना लड़के बनते हैं ना लड़की बनते हैं, वो लोग लड़के भी नहीं बनते, लड़की भी नहीं बनते, बिना लड़का लड़की के जो जेंडर है वो लोग वो बनता है। तो आप जान लीजिए कौन इलिसिट सेक्स करके आया है, आप देख के पता कर सकते हैं, वो लोग लड़के भी नहीं होते, लड़की भी नहीं होते, लड़का लड़की के बाद जो आता है वो लोग वो होता है, ठीक है। अब आगे आगे क्या है, जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, जो लोग जुआ खेलते हैं, जुआ खेला उसने अपने परिवार को कष्ट दिया, क्योंकि जुआ खेलने के लिए पैसा चाहिए, पैसा वो खत्म कर देता है और परिवार वाले रो रहे हैं इसके वजह से, तो जो लोग जुआ खेलता है उसको एक नर्क में भेजा जाता है, और उस नर्क में उसको क्रशर से निकाला जाता है, क्रशर, क्रशर जानते हैं आप लोग, वो जो गन्ने का जूस जो होता है, गन्ने का जूस जैसे निकलता है झर करके घुसता है, इधर से निकलता है एकदम रस से, गन्ने का जूस तो फ्लैट हो जाता है, उसको घुसाते हैं क्रशर से, टक 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 टक, वो इधर से टक 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 निकलता है, उसके आंखें टूटती है, सिर टूटता है, हड्डियां टूटती है, घुटने टूटते हैं, पेट टूटता है, सब टक 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 आवाज आता है, ऐसा बार 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 उसके साथ किया जाता है जितने देर तक उसने जुआ खेली। और ऐसा भी नर्क है, जब वो जुआ खेलता है तो उसके जिन हाथों से उसने पाप किया, जिन हाथों से उसने जुआ खेला, उस हाथों को बार बार अलग किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर अलग किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है, ऐसा अगर कोई जुआ खेलता है तो ये सजा दी जाती है उस नर्क। अच्छा, अगर कोई वाणी से हिंसा करता है, वाणी से कटु शब्द बोलता है, किसी को बोलने से पहले सोचता नहीं है, उसको बोल के उसको मतलब छन्नी छन्नी कर देता है उसके हृदय को, और लोगों को याद भी रहता है 1947 अगस्त 15 तुमने मुझे कहा था कि मैं मोटी हो गई हूं, तो याद भी रहता है उन्हें। तो जो लोग वाणी से हिंसा करते हैं उनको किस नर्क में भेजा जाता है, उनको रौरव नामक एक नर्क में भेजा जाता है, और रौरव नामक नर्क में एक रुरु नाम का जानवर होता है, और बहुत विशाल होता है वो जानवर, और हजारों स्नेक से भी ज्यादा वेनमस होता है, सांप से भी ज्यादा विषैला होता है, वेनमस होता है, और वो रुरु नाम का राक्षस उस व्यक्ति को जिसने वाणी से हिंसा की है उसको नोच नोच कर खाता है, नोच नोच कर खाता है वो राक्षस, ऐसा। जो लोग मीट खाते हैं, जो लोग मीट ईटर्स होते हैं, मांस
मछली का सेवन करता है कि हम जिम जाता है जी, प्रोटीन की आवश्यकता होते है, हम जिम जाते हैं, 3 घंटा जिम करता है, फिर घर में आता है, फिर नॉनवेज खाता है, मीट खाता है, एग खाता है, डोले भी तो बनाने हैं ना जी हमको, डोले भी तो बनाने हैं। तेरी डोली उठेगी बेटा, तेरी डोली उठेगी। उसको कौन सा नरक में भेजा जाता है? जो लोग मीट खाते हैं उनको भेजा जाता है कुंभीपाक। कुंभीपाक नामक उसको एक नरक में भेजा जाता है। कुंभीपाक में क्या होता है? एक बहुत बड़ा एक कढ़ाई होता है, बहुत बड़ा कढ़ाई होता है, और उस कढ़ाई में तपता हुआ गर्म तेल रहता है, और उस व्यक्ति को उस कढ़ाई में फ्राई किया जाता है कि तेरे टेस्ट की वजह से, तेरे खुद के महत्वाकांक्षा के लिए बहुत जानवर फ्राई हुए ना, बहुत मुर्गी फ्राई हुए, अब तेरे को फ्राई करते हैं, तूने बहुत टंगड़ी तोड़ा, अब थोड़ा तेरे को भी हम लोग तोड़ते हैं, तो उसको फ्राई किया जाता है। और वो तड़पता, यहाँ जानवर फ्राई करोगे तो वो मर जाएगा, लेकिन वो मरता नहीं है, वो तड़पते रहता है, तड़पते रहता है, तड़पते रहता है, बहुत दर्द होता है उसको। ऐसा जो लोग मीट खाते उनके साथ ये होता है, और जो लोग मीट खाते और वो लोग फिर से जब जन्म लेते हैं, क्या होता है ना, उनका टूट डिस्कलरेशन होता है, उनके शरीर में नए नए रोग लगे हुए रहते हैं, या तो बहुत ही ज्यादा स्किनी होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्किनी होते हैं। ऐसे लोग जो लोग मीट खा के वापिस से नर्क से वापिस से इस पृथ्वी पर आते हैं, उनका ये बॉडी फीचर ऐसा होता है, बहुत स्किनी होता है, या फिर पोलियो का बीमारी होगा उनको, ऐसा दांत पीले पीले रहेंगे, ऐसा जो लोग मीट खाते हैं, तो आप देख के समझ सकते हो कि क्या होगा उनके साथ। और फिर जो लोग इंसल्ट करते हैं, किन की इंसल्ट करते हैं, गुरु की इंसल्ट करते हैं, अपने माता पिता की इंसल्ट करते हैं, अपने शिक्षकों की इंसल्ट करते हैं, और ब्राह्मणों की इंसल्ट करता है, जो लोग इंसल्ट करता है और चूकते नहीं है इंसल्ट करने में, जिस गुरु ने उसको दीक्षा दी, जिस गुरु ने उसको सवारा, उसको पापों से बचाया, उन्हीं गुरु की उसने निंदा कर दी, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, ऐसे लोगों को काल सूत्र नामक नर्क में भेजा जाता है। काल सूत्र नामक नर्क में क्या होता है, वो 80,000 माइल लंबा होता है, वो नर्क 80,000 माइल लंबा होता है, और वो कॉपर का बना हुआ होता है, कॉपर का बना हुआ होता है, और बहुत ज्यादा तपता हुआ होता है, नीचे से आग लगी हुई है उसकी, और कॉपर का बना हुआ रहता है, 80,000 माइल्स लंबा होता है, उसमें उसको छोड़ दिया जाता है, नंगा छोड़ दिया जाता है, और गर्म होता है और तड़पता है, वो यहाँ दौड़ता है, उसे पैर जलते हैं, पैरों को बचाने के लिए हाथ लगाता है, हाथों को बचाने के लिए पीठ लगाता है, पीठों को बचाने के लिए आगे का हिस्सा लगाता है, और ऐसा करके उसे पूरा शरीर जलता है। जिस गुरु ने उसको इतना सवारा, इतना प्यार दिया, इतना दिव्य ज्ञान दिया, उसी गुरु की उसने निंदा कर दी, प्रामाणिक गुरु, राम रहीम नहीं, प्रामाणिक गुरु, ऐसा उसके साथ ऐसा होता है। और जो लोग वेदों की इंसल्ट करता है, वेदास की इंसल्ट करता है कि वेद थे, अरे दिस इज माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, किसने देखा है जी, किसने देखा है, राम होंगे कोई, राम हमारे घर में भी है, राम नौकर है जी, नौकर है हमारे, श्याम श्याम हमारा माली है जी, श्याम, किसने देखा, ये कुछ भी, मतलब कुछ भी लिख देते हो आप लोग, इट्स माइथोलॉजिकल टेक्स्ट मैन। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, ऐसे लोगों को नर्क में भेजा जाता है, वो नर्क का नाम है असीपत्रवना। असीपत्रवना नर्क में क्या होता है, पाम लीव्स के शेप में ब्लेड्स होते हैं, पाम लीव्स के शेप में, क्योंकि पाम लीव्स में क्या लिखे गए थे, वेद लिखे गए थे पाम लीव्स में, तो उस पाम लीव्स के शेप में क्या होता है, ब्लेड होता है, और वो ब्लेड उसको घुपता है, बार बार उसको घुपता है और निकलता है, बार बार घुपता है निकलता है, बार बार घुपता है निकलता है, ऐसा। और ऐसे लोग जब वापिस से जन्म लेते हैं इस पृथ्वी में, ऐसे लोगों के पूरे शरीर में डिजीज होता है, सिर्फ डिजीज, कुछ ना कुछ उनको बीमारी लगी हुई रहेगी, कुछ ना कुछ उसको बीमारी लगी हुई रहेगी, ऐसा कभी बीमारी खत्म नहीं होती, आज ये बीमारी खत्म हो गई तो नेक्स्ट बीमारी खत्म हो गई तो फिर से एक और बीमारी, ऐसे उसको लगी रहती है। अच्छा, जो लोग जीवों के प्रति हिंसा करता है, कोई भी जीव, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी जीवों के प्रति जो लोग हिंसा करते हैं, उनको अंधकूप नामक एक नर्क में भेजा जाता है। अंधकूप नामक नर्क में एकदम अंधेरा होता है, और उसमें स्नेक्स आते हैं, बिच्छू आते हैं, स्कॉर्पियंस आते हैं, क्रैब्स आते हैं, और वो सारे जानवर भी आते हैं, या वो सारे लोग भी आते हैं जिनकी उन्होंने उसने हिंसा की थी, जिनको उन्होंने मारा था। अगर उसने मुर्गी के प्रति हिंसा की थी, गाय के प्रति हिंसा की थी, तो वो लोग आएंगे और उसको मारेंगे, ऐसा। सेम, इसने उसको मारा तो वो भी इनको मारेंगे, ऐसा। टीट फॉर टैट, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ऐसा। और जो लोग, जिनको खाने के लिए कोई वस्तु मिले तो वो दूसरों के साथ बांटते नहीं है, सब मैं ही खाऊंगा जी, अकेले खाऊंगा, फल भी मैं खाऊंगा, सब्जी भी मैं खाऊंगा, क्या कृष्ण कहता है, फल को मेरे को दो, कुछ नहीं देंगे जी, फल भी हम खाएंगे, सब्जी भी हम खाएंगे। तो ऐसे लोग, जो लोग खाने को कुछ मिले तो देते नहीं है, तो ऐसे लोगों को एक नर्क में भेजा जाता है, और उस नर्क का नाम होता है कृमि भोज नामक एक नर्क में उनको भेजा जाता है। और वो नर्क में क्या होता है, 8 लाख मील्स लंबा, 8 लाख मील लंबा एक तालाब होता है, और उस तालाब में कीड़े होते हैं, बहुत सारे कीड़े होते हैं, और उस कीड़े, और इसको भी कीड़ा बनाया जाता है, ये कीड़ा उसको खाता है और वो इसको खाता है, ऐसे म्यूचुअली एक दूसरे का खाना चलता है, क्योंकि इसको खाने की चीज मिली तो इसने किसी को शेयर किया नहीं, तो इसको तालाब में कीड़ा बनाया गया जिसमें ये
दूसरे कीड़े को खाएंगे और दूसरे कीड़े इनको खाएंगे, और दूसरे कीड़े भी है वो भी वही कीड़े हैं जिन्होंने दूसरों को कुछ शेयर नहीं किया। ये लोग जब आता है तब इनको खाने की कमी होती है, इनके जीवन में बहुत खाने की कमी होती है, आज खाना मिल गया कल नहीं मिला ऐसा, क्योंकि इन्होंने कभी फूड शेयर नहीं किया। अच्छा, जो लोग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाते, पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं उठाते, खुद मजे कर रहा है और इसके मजे के चक्कर में पूरा इसका फैमिली दुखी है, ये मजे में लगा है, ये इधर लाइन मार रहा है, यहाँ स्क्वायर मार रहा है, यहाँ सर्कल, यहाँ ज्योमेट्री, ये सब कर रहा है ये, और इसके वजह से इसे पूरे परिवार वाले दुखी है क्योंकि ये पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता। ऐसे लोगों को भेजा जाता है वैतरणी नदी में। एक तो वैतरणी नदी हमने चर्चा की थी, जब कोई पापी आत्मा घुसता है तो उसको वैतरणी नदी क्रॉस करना पड़ता है, फिर से उसको वैतरणी नदी में भेजा जाता है अगर वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाता है। तो ये वैतरणी नदी बनी हुई है ब्लड से, यूरिन से, पस से, स्टूल से, और उसमें डेडली डेडली एनिमल्स रहता है जो उसको नोच नोच कर खाता है, नोच नोच कर खाता है। इसके बारे में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, वैतरणी नदी के ऊपर एक वीडियो है पिछले एपिसोड में, आप देख सकता है। ओके, जो लोग झूठा बयान देते हैं कोर्ट में जाके फॉल्स विटनेस बनते हैं, झूठा बयान देते हैं, झूठा बयान देके उसने दूसरों का क्या किया, जिंदगी तबाह कर दी, ऐसे लोगों को भेजा जाता है अची महान पर्वत के ऊपर लेके जाया जाता है। अची महानंद पर्वत के ऊपर उनको लेके जाया जाता है और उस पर्वत से उसको नीचे फेंका जाता है, बार बार उसको नीचे फेंका जाता है, जितने देर तक वो उसका शरीर पूरा तहस महस नहीं हो जाता, एकदम डिसमेंटल नहीं हो जाता, उतने देर तक उसको फेंका जाता है ऊपर से नीचे, बार बार फेंका, फिर से ऊपर लेके गया, फिर से फेंका, फिर से ऊपर लेके गया, फिर से फेंका, ऐसा। और ऐसे लोग जब नर्क भोगने के बाद जब वापस जन्म लेता है तो ऐसे लोग कानों से सुन नहीं पाते, मुंह से बोल नहीं पाते, क्यों, क्योंकि मुंह से उन्होंने बोल के क्या किया, झूठा बयान दिया, और कानों से भी सुन नहीं पाते, ऐसा ऐसा होता है। तो ये लोग क्या होता है, बहरे होता है, गूंगा बहरा होता है, आप समझ जाइए कि जो लोग ऐसे बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते तो उन्होंने शायद किसी को झूठा गवाही दिया था, ऐसा। जो लोग दूसरों के ऊपर टैक्स इम्पोज करते हैं, ऐसे नेता, ऐसे राजा, ऐसे पॉलिटिशियंस, जो लोग दूसरों के ऊपर टैक्स तो इम्पोज करते हैं लेकिन उस टैक्स लेने के बाद समाज का भला नहीं करते, खुद के भोग में लगा देते हैं, टैक्स लेंगे 100% लेकिन समाज का भला करेंगे सिर्फ 20%, तो ऐसे लोगों को क्या करता है, ऐसे लोगों को एक नर्क में भेजा जाता है, और उस नर्क में 720 कुत्ते, 720 डॉग, 720 कुत्ते आते हैं, बड़े बड़े कुत्ते आते हैं और उसे नोच नोच कर खाते हैं, महाप्रसाद गोविंदे, खाओ पियो परमानंदे, ऐसे करके महाप्रसाद गोविंदे करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने टैक्स इंपोज किया लेकिन उन्होंने समाज का भला नहीं किया। और ऐसे लोग अपने नेक्स्ट लाइफ में जानवर बनते हैं, क्योंकि ये जानवरों जैसा काम है ना, आपने किसी से कुछ लिया लेकिन उसका भला नहीं किया, तो ऐसे लोग अपने नेक्स्ट जीवन में जानवर बनते हैं, क्योंकि ये लोग टैक्स इंपोज करते हैं लेकिन समाज का भला नहीं करते। ऐसे लोग जो लोग बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु होते हैं दूसरों के प्रति, बहुत ज्यादा ईर्ष्या उनके मन में, किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते, अपने दोस्त भी रहेंगे ना उसके, अगर दोस्त भी रहेंगे उसके साथ तो बोले वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो यार, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, और अंदर ही अंदर क्या ये, हाँ क्या समझता है अपने आप को, हाँ हम क्या कोई डोरमेट है क्या, अरे ये मेरा जूनियर था स्कूल में, मेरा जूनियर था कॉलेज में, मेरा जूनियर था, आज मेरे से आगे चला गया इसकी तो, और फिर इसके बारे में दूसरों की निंदा करते हैं, एनवीएस। ऐसे लोगों को साथ क्या होता है, ऐसे लोगों को दंडशुका नामक एक नर्क में भेजा जाता है, और दंडशुका नामक नर्क में सांप और गिद्ध, सांप और वल्चर आते हैं और उसको खाते हैं, क्योंकि सांप ईर्ष्या का प्रतीक होता है, तो सांप उसको डसते हैं, वल्चर उसको खाते हैं, ऐसे। और ऐसे लोग जिनके घर में अगर अतिथि आए तो अतिथि का सत्कार नहीं करते और अतिथि को घूर घूर कर देखते हैं, घूर घूर कर देखेंगे अतिथि को, अतिथि आएगा अजी कैसे, जी कैसे आप आए, अतिथि आए और ये लोग हम अच्छा है, मतलब आ ही गए ना आप लोग, वेलागिरी की भी हद होती है, मतलब आइए आइए यार अभी बाहर निकलना था, ये अतिथि आ गए, अतिथि का मतलब ये होता है जो लोग बिना तिथि के आ जाए, अतिथि, तिथि देकर नहीं आएंगे, बिना तिथि के आएंगे वो होता है अतिथि, अतिथि, और घूर घूर कर देखते हैं, क्या करें, घूर घूर कर देखो, घूर घूर कर देखो अपने आप ही चले जाएंगे, और जी आ गए, मतलब इतने वेले भी कोई कैसे हो सकता, मतलब घूर घूर कर देखते अतिथि को ताकि अतिथि चले जाए। तो ऐसे लोगों को एक नर्क में भेजा जाता है और उस नर्क का नाम होता है पर्यावर्तन। पर्यावर्तन नर्क में क्या होता है, गिद्ध होते हैं, ईगल्स होते हैं, ईगल्स उनको घूर घूर कर देखता है वो व्यक्ति जिन्होंने अतिथि का सत्कार नहीं किया और उनको घूर घूर के देखा ताकि ये लोग चले जाए, तो पर्यावर्तन नर्क में उस व्यक्ति को ईगल्स घूर घूर कर देखते हैं और फिर उसके आंखों को खाते हैं और वापिस से उसकी आग आती है, वापिस से खाते हैं, जितने देर तक उसने घूर घूर कर देखा उसने देर तक ईगल आता है उसको आंख लेके जाता है और आग को खाता है, फिर से उसका आग आता है, फिर से उसको खाता है, ऐसा ऐसा होता है उसके साथ। और जो लोग अपने पत्नी के ऊपर अत्याचार करता है, जो लोग अपने पत्नी के ऊपर अत्याचार करते हैं, अपने बीवी को हैरेस करते हैं, उसे शारीरिक संबंध बनाते हैं, जब उसे पीरियड्स होता है तब भी उनके शारीरिक संबंध बनाते हैं, या फिर कहते हैं ना मैरिटल रेप, शादी के बाद भी
पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करना, मन नहीं है लेकिन जोर जबरदस्ती करना, उसको अपना वीर्य पिलाना, उसके साथ मारपीट करना, ऐसे करके जो अपनी पत्नी को हैरेसमेंट करता है उसको एक लाला भाग नामक नदी में भेजा जाता है। लाला भाग नामक एक नदी में उसको डाला जाता है और वो नदी बनी होती है किससे, सीमन की, पस की बनी होती है वो नदी और सीमन रहता है उसमें, सीमन मतलब वीर्य, और उसको फोर्स किया जाता है, यमदूत उसको मार मार के फोर्स करते हैं कि तू अपना वीर्य पी, अब उसको वीर्य पिला जाता है, स्पर्म पिला जाता है उसको, ऐसा लाला भाग नामक नदी में ऐसा होता है। और जो लोग जिनके ऊपर धन का बहुत घमंड होता है, धन है जी हमारे पास, मनी इज पावर मैन, मनी इज पावर, उस धन के घमंड की वजह से किसी को कुछ भी बोल देता है, किसी को मार मुरा देते हैं, किसी को इंसल्ट कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, मतलब किसी के लिए रेस्पेक्ट नहीं है क्योंकि हमारे पास धन है जी, आई एम द बॉस, आई एम द गॉड, यस स्वयं लक्ष्मी हूं मैं, ऐसे। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, ऐसे लोगों को सूचीमुख नामक एक नर्क में भेजा जाता है। सूची मतलब सुई, सूची सुई धागा, सुई धागा से क्या किया जाता है उसको, उसको सूचीमुख नामक नर्क में उसको भेजा जाता है। उसे पूरे शरीर को यमदूत बीच में से काटते हैं, बीच में से शरीर को काटते हैं और उसको सीलते हैं, सुई धागे से सीलते हैं विदाउट एनी एनेस्थीसिया, सुई धागे से सिलेंगे, बीच में से काटेंगे, सुई धागे से सिलेंगे, बीच में से काटेंगे, सुई धागे से सिलेंगे, उतने देर तक सिलेंगे जितने देर तक उसने घमंड की वजह से दूसरों का अपमान किया, दूसरों के साथ अत्याचार किया। ऐसे लोग जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग एल्कोहलिक होते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनको एक नर्क में भेजा जाता है और उस नर्क का नाम होता है अपाहापान। अपाहापान नामक नर्क में क्या होता है, उसको लिक्विड फायर यानी कि लावा पिलाया जाता है। वो कहता है अरे अरे मुझे यहाँ क्यों लाए हो और ये लावा लावा क्यों लेके आए हो आप लावा। यमदूत कहता है रुक बेटा तेरे को दिखाते, तेरे को आग पीना बहुत अच्छा लगता है ना, शराब क्या होती है, आग होती है, आग पीना बहुत अच्छा लगता है ना तेरे को, रुक जा तेरे को मैं अभी पिलाता हूँ, आग पिलाता हूँ। यहाँ पर एकदम विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव मिला है, एकदम ओरिजिनल आग, एकदम ऑथेंटिक आग पिलाएंगे हम तुमको। नहीं नहीं मुझे नहीं पीना, नहीं नहीं मुझे माफ करो, मैंने बस पार्टीज में थोड़ी सी पिया था पटियाला पैक 90 ml और नहीं पीना मेरे को। रुक जा तेरे को हम पिलाते हैं। एक यमदूत उसका ये जबड़ा पकड़ता है, आगे वाला जबड़ा पकड़ता है, एक पीछे वाला जबड़ा पकड़ता है और तीसरा यमदूत को बोलता है ए डाल डाल इसके ऊपर डाल, कितना पैक कितना पैक, और उसके ऊपर लावा डाल दिया जाता है उसके मुंह में और पूरा शरीर जलते हुए निकलता है लावा, क्योंकि उसने लावा पिया बहुत ज्यादा, तो उसको ओरिजिनल लावा पिलाया जाता है, एकदम ऑथेंटिक लावा, ब्रांडेड लावा, ऐसा। तो ऐसे होते हैं कुछ नर्क, और भी बहुत सारे नर्क है लेकिन ये बहुत मेन नर्क है, प्रोमिनेंट नर्क है जिनके बारे में आज हमने चर्चा की। और फिर ये लोग जब वापिस से आते हैं पृथ्वी में, जो लोग गौ हत्या करते हैं वो लोग हंच बैग होते हैं, हंच बैग आपने देखा हुआ ऐसे, जो लोग गौ हत्या करते हैं वो लोग वापिस जब आते हैं वो लोग हंच बैग होते हैं। जो लोग मर्डरर होते हैं, दूसरों की हत्या कर, इंसानों की हत्या करता है मर्डरर, उनको लेप्रोसी डिजीज लगा हुआ रहता है, लेप्रोसी मतलब पूरे शरीर में घाव हुआ होता है। जो लोग एबॉर्शन कराते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनका पूरा शरीर हमेशा उनके शरीर में क्या कुछ ना कुछ रोग रहेगा। और जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं उनके नेक्स्ट लाइफ में वो भी गर्भ में मरता है, ऐसा जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं। तो ऐसे करके कुछ नर्क के बारे में आज हमने चर्चा की कि कैसे कैसे सजा मिलती है। बहुत लोग कहते हैं ये नर्क नहीं है जी, ये नर्क और कुछ ये सब काल्पनिक है, ये अब क्या कह रहे, लाला भाग, अंधकूप, रौरव, अपाहापान, उफ, ये लोग ऐसे ही बताया गया है ताकि हम लोग नैतिक रहे, डरेंगे तो नैतिक रहेंगे, मॉरल रहेंगे, ये ऐसे ही बताया गया है ये नर्क, ये सब कुछ नहीं होता, ये स्वर्ग नर्क ना सब यही है। ये सब नर्क इसलिए बताया गया ताकि मॉरल रहे, बी मॉरल, be a good boy, be a good girl, don't harm others, be truthful, ताकि हम ऐसे रहे, इसे ये सब नर्क के बारे में बताया गया, ये सब नर्क नहीं होता जी, जो भी है, जो नर्क स्वर्ग है, सब यही है, तो कुछ लोगों का ये मानना होता है, तो क्या ये नर्क नहीं है? अगर सच में नर्क नहीं होता, सिर्फ नैतिक बनाने के लिए ही अगर ये नर्क का डिस्क्रिप्शन दिया जाता, कि नर्क का डिस्क्रिप्शन है डरो और नैतिक रहो, तो हमारे शास्त्र में सिर्फ नर्क का डिस्क्रिप्शन ही होना चाहिए था, लेकिन हमारे शास्त्र में भगवान के बारे में भी डिस्क्रिप्शन है, गोलोक वृंदावन के बारे में भी आता है, नाम रूप गुण लीला भी आता है, भगवान रामायण का लीला भी आता है, कृष्ण लीला भी आता है, ये सब क्यों आता है, स्टोरीज क्यों दे रहे हो भाई, मॉरल बनाना है ना सिर्फ लोगों को, सिर्फ डराना है ना, सिर्फ डरा के मॉरल बनाना है, तो नर्क का डिस्क्रिप्शन दो ना, ये क्या राम जी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, हनुमान जी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो आप, कृष्ण का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, ये दुर्गा देवी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, क्यों भगवान का नाम रूप गुण लीला क्यों, ये सब क्यों दे रहे हो? और शास्त्र में ऐसा कहीं पर नहीं आता कि ये नर्क स्वर्ग नहीं है, सब यही पर है, नो, तो नर्क स्वर्ग तो है, इसलिए ही नर्क स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन दिया गया है ताकि हम नर्क के लिए इच्छा ना रहे, हम इच्छा रखे तो प्रभु के लिए इच्छा रखे। और क्या नर्क स्वर्ग यही है? क्या यही है? नहीं, यहां पर नर्क और स्वर्ग का सैंपल मिलता है,
सिंपल। जैसे अगर हम मान के चले कि अमेरिका में रहना स्वर्ग है और झोपड़पट्टी में रहना नरक है। अमेरिका में रहना स्वर्ग है, लेकिन अमेरिका में रहना भी पूरी तरह से अपने आप में स्वर्ग नहीं है। अमेरिका में वैसे बहुत सब लोग रिच होते हैं, वहां पर इतने भिखारी नहीं होते हैं, सब लोग रिच होते हैं, सब लोग एकदम मतलब वहां पर भोग की पूरा फुल क्लास फैसिलिटी है, इसलिए अमेरिका में रहना हम लोग स्वर्ग मानते हैं। लेकिन पूरी तरीके से स्वर्ग भी नहीं है, क्योंकि वहां पर अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, वहां पर लोग डिप्रेशन के शिकार बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। वहां पर साइकेट्रिस्ट, हर एक तीसरा व्यक्ति साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और हर तीसरा साइकेट्रिस्ट एक और साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट दूसरों का दुख सुन सुन के खुद भी साइको हो चुका है ऐसा। और वहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत सारे और डिवोर्स रेट इतना ज्यादा है, नो स्ट्रिंग अटैच कल्चर की वजह से लोग दुखी बहुत ज्यादा रहता है। तो स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग में थोड़ा नर्क भी है। और झोपड़पट्टी में रहना अगर नर्क है, लेकिन झोपड़पट्टी में रहना नर्क तो है, इस नर्क में थोड़ा सा स्वर्ग भी है। झोपड़पट्टी, हाँ, नाला बह रही है, बदबू आती है, आपका घर बेकार है, लेकिन उस घर के अंदर एसी भी है, एसी भी है, और फिर एलईडी टीवी भी है, इंटरनेट कनेक्शन भी है, और इलेक्ट्रिसिटी भी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं भरना पड़ता, ऊपर से जो तार जा रही है उसमें हुक लगा कर ये लोग देख रहे हैं, अपने मजे से देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं भरना पड़ता, और बाहर हायाबुसा बाइक भी है, वाओ, लेकिन नाला भी बह रही है। तो नर्क है, नर्क में थोड़ा स्वर्ग भी है, और अमेरिका स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग में थोड़ा नर्क भी है। तो यहां पर सैंपल है, स्वर्ग और नर्क का थोड़ा थोड़ा सैंपल है, लेकिन असली स्वर्ग नर्क भी होता है। अब एक प्रश्न ये आता है कि इतना नर्क भोगने के बाद वापस जब हम यहां पर आते हैं तो हमें वापस से कष्ट क्यों मिलता है? अरे भाई, कष्ट भोग के तो आ गए ना, वापस से कष्ट क्यों मिलता है? देखिए, हर पाप के लिए नर्क नहीं बनाया गया है, कुछ स्पेसिफिक पाप के लिए ही नर्क बनाया गया है। कुछ पाप ऐसे होते हैं, मान लो आप चल रहे थे, कोई कॉकरोच मर गया, कोई कीड़े मकोड़े मर गए, या कुछ पाप अनजाने में हो गए, हमें नहीं पता था ऐसा, तो वो पाप के लिए ना नर्क नहीं होता। वो पाप का जो कष्ट है वो आपको इस जीवन में मिलेगा, आपका शरीर, आपका बैक पेन रहेगा, आप मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहोगे, ये सब, इसलिए यहाँ पर ये कष्ट मिलता है। और सेकंड रीजन क्या है कष्ट के लिए? सेकंड रीजन ये है कि ये संसार का स्वभाव ही है, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है और सब कुछ टेम्पररी है। तो यहाँ पर आपको दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे सुखालय में, जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है, वस्त्रालय में वस्त्र मिलता है, शौचालय में आप शौच कर पाते हो, विद्यालय में विद्या मिलता है, उसी प्रकार से दुखालय में आपको दुख मिलेगा। तो ये दुखों का घर है, क्यों? ताकि दुख अगर मिले तो इस दुख से फ्रस्ट्रेट होकर हम प्रभु के पास जाए और प्रभु को जाके बोले, प्रभु सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, आप कृपया करके मुझे स्वीकार कर लो। मेरी पत्नी का नाम शांति है लेकिन वो मुझे शांति नहीं देती, आप मुझे कृपया करके स्वीकार करें और मुझे आपका दास बनाए, आपके धाम में निवास दे। ये दुख क्या करती है? ये दुख हमें चांस देती है कि हम यूटर्न मारे और कृष्ण के शरण में जाए, और कृष्ण के शरण में अगर हम जाएंगे तो इन सब नरकों से हमें नहीं गुजरना पड़ेगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानने का ये प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन व्यक्ति है जिनको नर्क में कभी भी जाना नहीं पड़ता, जिनको कभी भी यमराज का चेहरा नहीं देखना पड़ता, जो कभी भी नर्क नहीं जाता। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।